कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मानसी गंगा में थे। मानसी गंगा बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान से बछड़े के रूप में वत्सासुर आया था, एक आसुर, और उसका वध भगवान ने किया था, जिसके कारण भगवान के मित्र आदि सब ने कहा कि अरे आपको गो हत्या का पाप लगा है, आपको शुद्ध होना होगा और गंगा में जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कहते मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा किसी चीज़ के लिए, गंगा क्या, गंगा को मैं यहाँ ही प्रकट कराऊंगा। तो कृष्ण बैठ गया ऐसा स्मरण करने के लिए और तुरंत ही उनके मन से गंगा प्रकट हो गई। इस कारण से उस स्थान को क्या बोलते हैं, मानसी गंगा। तो ये गंगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस गंगा से। हाँ, तो मन से प्रकट हो जाती है गंगा और उसके पश्चात भगवान अपने घर वापस जाते हैं। और ये मानसी गंगा स्थान है जहाँ कृष्ण अपने सारे बछड़ों को, गायों को, सबको पानी पीना के लिए वहाँ लाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसके कारण कृष्ण का एक नाम है मानसी गंगारदानी। कृष्ण का नाम क्या है, मानसी गंगारदानी, मतलब मानसी गंगा दान के रूप में मानो हम सबके लिए कृष्ण ने दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण वो स्थल है मानसी गंगा, जिसके तट पर हमारे महानतम आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी बैठकर भजन करते थे, हरे नाम लेते थे। बल्कि एक बार एक तीर्थ यात्री पूरे भारत का भ्रमण करते करते जब ब्रज में आया और विशेष रूप से उसने गंगा स्नान आदि किया था, गंगा की महिमा को बहुत जानता था, जब आया तो नंद महाराज, यशोदा आदि वो सामने बैठे ब्रजवासी, और इसने गंगा की महिमा का बहुत वर्णन किया। और वास्तव में जैसे हम चरणामृत सोचते हैं ना, थोड़ा सा है, लेकिन कृष्ण ने पूर्ण चरणामृत का नदी दे दिया है। गंगा भगवान की कहाँ से निकली है, चरणों से निकली है, तो चरणामृत के समान ही गंगा की महिमा है। तो ऐसे बहुत महिमा उन्होंने सुनाई और उन्होंने एक कहा नंद महाराज और यशोदा को, अरे मैं जब जा रहा तो देखा कि जो गरुड़ हैं, गरुड़ एक सांप को लेकर अपने पाँव में पकड़ के ले जा रहे थे, उनका भोजन है वो, लेकिन सांप की जो पूछ है वो गंगा के ऊपर से उड़ रहे थे। सांप की पूछ वो गंगा के जल का स्पर्श करती है तो तुरंत वो सांप भी चतुर्भुज बन जाता है, विष्णु भक्त बन जाता है, और जो गरुड़ है उसको अपने पीठ पर बिठा के वैकुंठ ले जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य था गंगा के जल का स्पर्श करने मात्र से वैकुंठ प्राप्ति निश्चित है। तो नंदा और यशोदा और ये सब ने कहा कि अरे हमें गंगा स्नान करने के लिए जाना है, गंगा स्नान के लिए जाना है। तो ये सब तैयार हो गए, सारे ब्रज के हजारों लोग निकलने लगे और कहा कि कल हम स्नान के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए, कहा हरिद्वार जाएंगे। जैसे कृष्ण को पता चला, कृष्ण ने कहा ये कहाँ, कौन सी तैयारियाँ हो रही है, कहाँ निकल रहे हैं आप यात्रा में, तो इन्होंने कहा हम हरिद्वार जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। कृष्ण ने कहा ब्रज से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रज में सारे तीर्थ, नदियाँ, सारे धाम इधर है, और वास्तव में वही है। एक बार ब्रज में आ जाओ, संसार के किसी धाम तीर्थ में आदि जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी नदियों में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक कदम आप डालते तो हजारों करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल, कई नदियों का स्नान, तीर्थों में स्नान, कई उपवास, फास्टिंग आदि का लाभ प्राप्त हो जाता है केवल ब्रज में आने मात्र से। तो इतनी ब्रज की महिमा है कि कृष्ण ने कहा कि गंगा में स्नान करना है, गंगा तो यहाँ ही है गोवर्धन के पास, किसी को पता नहीं था, ये मन से प्रकट करा के आ गए थे और उन्होंने कहा ये ले गए, कहते चलो आप मेरे साथ। तो सारे, कृष्ण छोटे ही थे, कृष्ण 10 साल 7 या 8 महीने के थे तब उन्होंने वृंदावन छोड़ा था, मथुरा चले गए थे। जितने भी कृष्ण की लीलाएं हैं वो सारी 11 साल के अंदर की है, ब्रज की लीलाएं, और फिर मथुरा जाकर 14वें दिन भगवान ने कंस का वध कर लिया था। तो ऐसे जो कृष्ण हैं उन्होंने सारे नंद यशोदा ब्रजवासियों को लाए वहाँ गोवर्धन के पास और लाकर उनको कहा कि देखो ये गंगा है। उन्होंने कहा कैसे विश्वास करें ये गंगा है, तो कहते अभी गंगा देवी को बुलाता हूँ। तो कृष्ण जोर जोर से कहने लगे गंगा माई आप आ जाओ। तो गंगा देवी तुरंत, उसका वाहन है ना मकर, क्रोकोडाइल, उसके ऊपर
बैठ कर आ गई तो सारे ब्रजवासियों ने नंद यशोदा आदि ने देखा, रे तो गंगा है साक्षात, तो इनको विश्वास हो गया कि ये क्या है, गंगा है। हाँ, तो दीपावली के दिन गंगा का प्राकट्य मानसी गंगा का हुआ था भगवान के माइंड से, इसलिए दीपावली में विशेष रूप से सारे मानसी गंगा में हजारों लाखों दिए जलाते हैं, दीप अर्पण आदि करते हैं। और ऐसा वो जो मानसी गंगा भी छोटा सा लगता है, लेकिन उस समय बहुत विशाल वो सरोवर या जल था। बल्कि गंगा से ज़्यादा भाग्यवान कौन है, यमुना है, ये दोनों बहनें हैं। तो गंगा प्रार्थना करते कि हे यमुना, आप कितनी भाग्यवान हो कि कृष्ण प्रतिदिन आप, मैं तो चरणों से निकली और कृष्ण से दूर भाग रही हूँ, मैं इतनी फॉर्चुनेट नहीं हूँ। इसलिए वैष्णवों को गंगा से श्रेष्ठ माना जाता है, भक्तों को गंगा से भी महान माना जाता है। गंगा र परश हैले पछाते पावन, गंगा का स्पर्श करने मात्र से मानो तब व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन तुम्हारा दर्शन है, वैष्णवों का दर्शन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, इसलिए गंगा से भी श्रेष्ठ वैष्णव या भक्तों को बोला गया है। तो ऐसी जो गंगा देवी है, उनका जो प्राकट्य यहाँ होता है नंद यशोदा आदि, तो सब लोग वहाँ स्नान करने लगते हैं, सारे ब्रजवासी वगैरह नंद यशोदा, और कहते अभी ब्रज से बाहर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रज से बाहर गए नहीं किसी चीज़ के लिए। और फिर वही जो ये स्थान है मानसी गंगा, वो राधा कृष्ण की जल क्रीड़ा का स्थान है। हम बोट फेस्टिवल मनाते ना, तो सबसे ज़्यादा बोट फेस्टिवल भगवान बोट नौका विहार करते थे राधा कृष्ण और गोपिया, ये मानसी गंगा में। तो एक दिन राधा रानी अपने सखियों के साथ दूध दही मक्खन आदि लेके निकल रही थी, और उनको मानसी गंगा को क्रॉस करना था, उस पार जाना था। और समय हो गया, देखा कोई नाविक नहीं था, और कैसे करे तो देखा एक नाविक ऐसे लेटा हुआ है वहाँ। तो गए कि चलो आप हमें ले जा सकते हो, उन्होंने कहा फ्री में नहीं ले जाएंगे, हमें कुछ देना पड़ेगा। तो राधा रानी और सखिया कहती है ठीक है क्या दे आपको, तो उन्होंने कहा जो भी मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए आप दे दो, तब मैं निकलूँगा। तो उन्होंने कई दूध दही मक्खन आदि खाए और इनको लेकर निकल गए अंदर। जैसे अंदर गए तो पानी नाव में पानी भरने लगा, तो उसने कहा कि अभी डूब सकते हैं हम, आप क्या करो भार को कम करना पड़ेगा, ये आपका दूध दही मक्खन है पहले इसको फेंक दो। तो वो बेचारी बहुत सरल स्वभाव की गोपिकास थे, उन्होंने ये सब मटके फेंकना शुरू कर दिए और आगे आगे नाव बढ़ रही थी। तो कृष्ण ही थे वो, लेकिन वो नाविक बने थे, आज वहाँ वनमाली बने थे, अभी नाविक बने थे। और बरसाना में सखी बनते हैं, हाँ कि बरसाने के वास को आश करे शिव शेष, जाकी महिमा क्या कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी देश। कि बरसाना के बारे में क्या बताओ, वहाँ कृष्ण क्या बन जाते हैं, सखी गोपी बन जाते हैं। तो यहाँ तो नाविक बने थे, अब पता नहीं था किसी को। फिर बैठे तो पानी आने लगा, फिर आगे गए तो अभी दूध दही तो फेंक दिया थे मटके, और कहा कि और भी पानी आ रहा है, भार बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने कहा आपने बहुत हेवी ज्वेलरी पहनी है, उसको फेंक दो। गोपीकांत ने सारी फेंक दी, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो कहने लगे अभी भी पानी बहुत भर रहा है, आपको कपड़े फेंकने पड़ेंगे। तो कृष्णा सारी गोपिकाएं कहते अभी सबसे ज़्यादा भार आपका ही है, आपके हाथ पांव पकड़ कर आपको फेंक देंगे। हाँ, तो अचानक ही बहुत तूफान आदि वो सब आया, नाव गिरने लगी, और कृष्ण राधा रानी के निकट आए, और जब देखा राधा रानी ने कि अरे इसके यहाँ तो बांसुरी लगी हुई है, ऐसे ये नाविक नहीं है, हाँ ये कौन है, कृष्ण है। सारे आनंद के साथ पूरा नौका विहार करते हैं। तो कई सारे ग्रंथों में बहुत सारा वर्णन है कि कई सारे नौका विहार की राधा कृष्ण की वहाँ लीलाएँ हैं, और वो विशेष विशेष स्थल है। और गंगा वृंदावन में प्रकट हो गई है, क्योंकि उन्होंने यमुना को प्रार्थना की थी अपने सिस्टर को कि आप कितने भाग्यशाली हो, मैं तो चरणों से निकल के दूर भाग गई, आपके तो प्रतिदिन आपके अंदर कृष्ण स्नान करते हैं अपने सखाओं के साथ, गौओं के साथ, गोपिकाओं के साथ, हाँ तो आप बहुत भाग्यशाली हो। और हैं यमुना हजारों गुना गंगा से क्या है, सौभाग्यशाली है।
इसलिए यमुना का बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन आए फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले यमुना में ऐसे कूद गए, स्नान किए, प्रणाम किए, प्रार्थना किए। तो ऐसी यमुना मैया इतनी ये है कि जब कृष्ण को यमुना को क्रॉस करना होता था, अपने बच्चों को लेकर उस पार जाना होता था ना, क्योंकि 12 वन है, वृंदावन मीन्स क्या, 12 वनों का एक समूह है, और उन 12 वनों को मिला के भी वृंदावन कहा जाता है, और 12 इंडिविजुअल वन भी हैं, लोह वन, महावन, खादिर वन, वृंदावन, बेल वन आदि आदि, भांडिर वन वगैरह। तो ऐसे जब कृष्ण को नदी क्रॉस करनी होती थी तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और जल जो है बिल्कुल स्नो बन जाता था, आइस, और उसके ऊपर से बछड़े क्या होते थे, उस पार चले जाते थे। मतलब ये इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती थी यमुना जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी बजाते थे तो सारे जो गाय हैं उनके कान भी उस दिशा में हो जाते थे, इसी दिशा में, तो पता चलता था कृष्ण कौन सी दिशा में बांसुरी बजा रहे हैं, और सारे वृक्ष के पत्ते भी उस दिशा की ओर ये करते थे, चिन्हित करते थे। तो ऐसी विशेष वो स्थली है मानसी गंगा, और सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य वहाँ बैठकर उन्होंने भजन किया, भजन स्थली भी है वहाँ, और वहाँ चकलेश्वर महादेव है। कल उन्होंने सुनाया था ना, ब्रज में चकला में जो कुछ काम नहीं करता है, हाँ, तो 7 दिन तो भगवान ने उसी कहाँ उठाया था भगवान ने, जहाँ हरिदेव का मंदिर है ना, जहाँ वो कुंड है सरोवर, उसके किनारे एक रेड स्टोन का बड़ा मंदिर है, वहाँ नहीं गए हम, वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन को ऊपर उठा लिया था, और उस स्थान में उठाया था, और गोवर्धन ऊपर तो सुदर्शन रखा था, जिसके कारण जल ब्रज में कुछ ये नहीं कर रहा था, लोगों को कष्ट आदि नहीं दे रहा था, ब्रज की हर चीज़ सुरक्षित थी, और उसी स्थान में शिवजी निवास करने लगे, और चक्र ने कहा कि आप मुझे ब्रज में वास दे दो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाते, आसुरों को मारा है, कभी आपने ओठों से किसी को मार दिया, किसी को हाथ से मार दिया, किसी को पाँव से मार दिया, है ना, ये सब शस्त्रास्त्र ब्रज में नहीं उठाते हैं, शस्त्रास्त्र कहा वासुदेव कृष्ण के रूप में या देवकी नंदन कृष्ण के रूप में मथुरा और द्वारका में, ब्रज में नहीं। तो वहाँ चक्र कहता है कि आप मुझे ब्रज का वास दे दो वृंदावन का, तो वहाँ ही मानसी गंगा के तट पर चक्र तीर्थ है जहाँ चक्र निवास करता है, और वहाँ ये शिव जी हैं, चकलेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी कस भजन ये कुटीर यहाँ बैठते थे, और यहाँ शिव जी हैं चकलेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी बहुत अच्छा नाम लेते थे, हरि नाम करते रहते थे दिन रात। तो एक दिन बहुत मच्छर थे, तो उन्होंने कहा अभी यहाँ नहीं रहूँगा मैं अपना वृंदावन चला जाता हूँ, वहाँ थोड़े से मच्छर नहीं हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ बहुत मच्छर हो गए। तो सनातन गोस्वामी ने पूरा प्लान बनाया कि अभी मानसी गंगा का स्थान छोड़कर वृंदावन जाना है मुझे, वहाँ जप करना अच्छा है, यहाँ मच्छर थे। तो शिव जी तुरंत प्रकट हो जाते, शिव जी कहते सनातन आप ये स्थान मत छोड़ो, क्योंकि जब आप हरि नाम लेते हो ना तो मुझे बहुत आनंद आता है सुनने में, हाँ, ये मच्छर यहाँ से चले जाएंगे, मैं अरेंजमेंट करता हूँ, मच्छर के देवता को बुला लेता हूँ, डेमेकॉट जो भी होगा मच्छरों का देखभाल करने वाला। तो शिवजी ने वो ये ली, और शिवजी ने क्या किया, तब से ऐसे कहा जाता है कि उस एरिया में मच्छर नहीं है, और इसलिए देखो शिवजी भी वैष्णवों का संग चाहते हैं, शिवजी महानतम वैष्णव है, भागवत कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्न गानाम यथा गंगा, नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है, शिवजी श्रेष्ठ। ऐसे शिवजी भी किसकी किसका संग चाहते हैं, सनातन गोस्वामी का, इतने महानतम वैष्णव है ब्रज के, इसलिए उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और सनातन गोस्वामी ने उसी स्थान पर अपना शरीर छोड़ा था, सनातन गोस्वामी ऐसे आचार्य थे, पूरे ब्रज के आचार्य थे, गुरु थे, पूरा ब्रज के गांव-गांव के लोगों को वो जानते थे, फैमिली मैटर्स लोग उनके साथ डिस्कस करते थे, सनातन गोस्वामी हर डिटेल जानते थे कि आपके घर में गाय कितनी है, भैंसे कितनी है, आपके बच्चे क्या हैं, आपके खेतों में क्या हो रहा है, और वो सब शेयर करते थे, सनातन गोस्वामी उनको गाइड करते थे भक्ति में, पूरे ब्रज के गुरु थे। जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो पूरा ब्रज मतलब कितना, 40 किलोमीटर का जो घेरा है उसको ब्रज कहते, वृंदावन कितना है 40 किलोमीटर का, वो सारे हजारों लोग आए, और जो गुरु पूर्णिमा होती है ना, जिसको उस दिन
सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो सब विलाप करने लगे। सनातन गोस्वामी के शरीर को लेकर मानसी गंगा का परिक्रमा किया और सनातन गोस्वामी के शरीर को फिर वृंदावन ले गए, वहाँ मदन मोहन उनके विग्रह हैं, वहाँ समाधि दिया। और उस दिन पूरे ब्रज ने शोक मनाया, सब ब्रज के जो पुरुष थे सब ने अपना मुंडन कर दिया, इसलिए आज भी उसको मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। और उस दिन आज भी लाख, उस दिन आप परिक्रमा नहीं कर सकते चल के, इतने इतने लाखों में 10 या 20 लाख लोग वृंदावन के गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। उस दिन साल में सबसे ज़्यादा लोग उसी दिन आते हैं परिक्रमा, मुड़िया पूर्णिमा, जिस दिन सनातन गोस्वामी ऋषि अपेयर हुए थे। तो वो मानसी गंगा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर वहाँ मानसी देवी का मंदिर भी है, ब्रह्मकुंड भी है, हरिदेव का मंदिर है जो हमने नहीं देखा, क्योंकि गोपियाँ जब वहाँ आई थी तो कृष्ण का विरह हो गया और बहुत जोर जोर से कहने लगी, हरिदेव हरिदेव बोलिए, हरिदेव हरिदेव, अच्छी आवाज़ आई है, फिर से जोर से हरिदेव हरिदेव। जब गोपियाँ कहा जैसे हरिदेव हरिदेव कृष्ण के विरह में कह रही थी ना, तो कृष्ण तुरंत उस विग्रह के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन धारण की ऐसी मुद्रा में थे वो, और फिर उस विग्रह की पूजा आदि गोपीकास करने लगी। तो वही विग्रह वहाँ विराजमान है, आज भी बहुत सुंदर है। समय के साथ वो विग्रह किसी अन्य स्थान में गए, लेकिन उनकी प्रतिभू मूर्ति अभी वहाँ विराजमान की है। तो वो सब स्थान दर्शन करते करते हम यहाँ आए, जहाँ से हमारी रिक्शा अंदर आई ना घरों के बीच में, उसको दान घाटी कहते हैं, जहाँ कृष्ण खड़े हो जाते थे, गोपीकास गोवर्धन को क्रॉस करते थे, उस तरफ जाते थे। हाँ, श्याम घाटी, दान घाटी, गोविंद घाटी और एक घाटी, ऐसे गोवर्धन में 4 घाटी हुआ करते थे जिसमें गोपिकाएं जाती थी उस पार। तो यहाँ से जाती थी गोपिकाएं, जहाँ से रिक्शा हमारी गई और आगे जो रोड जा रहा था वहाँ जाती थी गोपिकाएं, तो कृष्ण वहाँ खड़े हो जाते थे, उनके उनसे टैक्स लेते थे। हाँ, कुछ दान दे दो, दान मतलब वही है टैक्स आदि देना, दूध दही मक्खन लूटते थे। और फिर ये हो गया कि बहुत तंग आ गए सारी गोपिकाएं। ये इस्कॉन मंदिर के सामने एक कुंड है, रिक्शा से शायद दिख सकता है, उसको कहते हैं दान निवर्तन कुंड। क्या बोलते हैं? निवर्तन मीन्स रिटर्न करना। अभी कृष्ण ने इतना उनको कष्ट दिया, इतना दान लूट लिया, कि फिर अभी गोपिकाओं ने कहा अभी हम भी आपको दंड देते हैं। तो फिर कृष्ण दूसरे दिन ललिता आदि सब ने कृष्णा आदि उनके सखा को यहाँ बुलाया। हाँ, और जब वो सब आए तो हजारों गोपियाँ झाड़ियों में छिप गई थी। जैसे कृष्ण और उनके पास 10-12 सखा आए, सारी गोपियाँ एकदम आ गई बाहर, पूरे डर गए। और कृष्ण और उनके सखाओं को सारा उनका वो शिखा छोड़ छोड़ के ऐसे पेड़ों में बांध दिया और एक एक को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। इसलिए उस कुंड को बोलते दान निवर्तन कुंड, मतलब रिटर्न करवा दिया। तो उन्होंने कहा कृष्ण और सखा कहते आगे से फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे हम। तो ऐसे राधा कृष्ण की ये दिव्य लीलाएं हैं। क्यों ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं? क्योंकि जो जीव है, हमारा जो मन हृदय कृष्ण आकर्षित करते हैं। इससे अल्टीमेटली सारा चीज़ें करने का एक में उद्देश्य है, भौतिक आकर्षण को किस में लगाना है? कृष्ण में। एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण से हम आकर्षित हो जाए, बस। इसलिए सारा कर रहे, परिक्रमा कर रहे, जप कर रहे, प्रसाद खा रहे, यात्रा कर रहे, किताबें पढ़ रहे, सेवा कर रहे, किस लिए? मुझे कृष्ण से आकर्षित होना है। लेकिन जब लोहा जंग लगता है तो आकर्षित नहीं होता ना मैग्नेट से। हाँ, जंग को क्या करो? घिसो। हाँ, ये सारा घिसने का प्रोसेस है, ये परिक्रमा करना, कथा सुनना, जप करना, ये क्या है? घिसने का काम है। जैसे ही शुद्ध घिसेगा तुरंत मैग्नेट को देखेगा तो आकर चिपक जाएगा, वैसे ही हम कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जीवन भर करें। कब तक करें? शास्त्र कहते हैं मृत्यु तक करते रहना है। भगवान का नाम जप करना, सेवा करना, श्रवण करना, ध्यान करना, धाम आना, ये मृत्यु के अंतिम क्षण तक करना है। तब जाके मानो वो हो सकता है शुद्धि चित्त की, और तब कृष्ण से एक दिन हम क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आप देख रहे बड़ा सुंदर महल है भक्ति वेदांत आश्रम, ये एक एमपी छतरपुर के एक राजा थे, उनका ये महल था। क्योंकि उन दिनों राजा उनका परिवार पायस होते थे, आते थे, रहते थे,
श्रवण करते थे, वैष्णव से परिक्रमाएं करते थे, तीर्थों में स्नान करते थे, कुंडों में। तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य है तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो और एक सन्यासी, ये दोनों परिक्रमा कर रहे थे। जाते जाते इस पर उनका ध्यान गया। जैसे ध्यान गया तो उन्होंने कहा ये प्रभुपाद के लिए होना चाहिए। मतलब सोचो जो डिवोटीज है वो हमेशा सोचते हैं प्रभुपाद गुरु की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, कृष्ण की सेवा। हाँ, जैसे मैंने कल कहा ना, यशोदा माता ही कृष्ण की माता क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता कौन करती है? यशोदा करती है कृष्ण की सेवा की। तो जैसे वो फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया किसका महल है, तो पता चला किसी राजा का है। और फिर गए, उनसे मिले, रिक्वेस्ट किया और उनसे उन्होंने ये दे दिया और फिर यहाँ सेवा शुरू हो गई। गोवर्धन में भी प्रभुपाद आश्रम यहाँ है, प्रभुपाद का निवास है। और आप जानते हैं प्रभुपाद का बचपन का नाम गोवर्धन था। क्या था? गोवर्धन। हाँ, गोवर्धन। लेकिन प्रभुपाद कहते मैं छोटा था तो मुझे कोई गोवर्धन नहीं कहता था, गोबर गोबर कहते थे। कहते बच्चे मुझे कहते थे गोबर, तो फिर मेरा नाम बदल दिया। तो ऐसे प्रभुपाद विशेष है गोवर्धन के प्रति। और प्रभुपाद ने शरीर छोड़ने से पूर्व ये डिजायर व्यक्त की थी, मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। बैलगाड़ी से प्रभुपाद कहते मुझे चला नहीं जा रहा, बैलगाड़ी में बैठ के करूँगा। तो आकर्षण अटैचमेंट गोवर्धन के लिए था। तो प्रभुपाद विशेष वैष्णव है जिनकी कृपा से हम यहाँ हैं। ये प्रभुपाद का आश्रम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन के जय, श्री गंगा के जय, सनातन गोस्वामी के जय, भक्ति वेदांत आश्रम के जय, प्रभुपाद के जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी चलते हम अगला स्टॉप हमारा।